वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम आ गए वहां पर जहां पर आपको जिस चीज का इंतजार था, आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो आज हम जो है कि जो मैट्रिक्स अभी तक आप पढ़ रहे थे, इसका कहां इस्तेमाल होने वाला है, इससे आप अपने जीवन में ऐसा क्या कर लेंगे पढ़ करके, कहां पर ये चीजें आप इसको अपने यूज में लेकर के आएंगे। जाहिर सी बात है कि हम कोई भी चीज अगर खरीदते हैं, लाते हैं, सीखते हैं, तो दिमाग में यही आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। तो आपके पास में आपका सिलेबस बिजनेस मैथ्स का, यही तो फर्क है बीकॉम में और आपके ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स में। ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ सीख गए लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता है, इसलिए आपका जो है बीकॉम में वही कोर्स दोबारा से आता है जहां पर आपको ये यूज करना सिखाया जाता है। और इसी चीज का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक, कि मैट्रिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आपके पास में ये नई चीज है, जो पीछे आपने पढ़ा वो आपने ऑलरेडी पीछे भी क्लासेस में आपने जो है कवर किया, लेकिन यहां पर जो ये नई चीज है ना, सवाल पेपर में, सवाल आपका यहीं से उठ करके आपके पेपर में आएगा। ठीक है, मैंने बहुत लंबा ये बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं, मैं सीधा बोल देता हूं कि जेके ठकराल की जो बुक है वहां से कंटेंट मैंने लिया है और वहां के क्वेश्चन सारे के सारे मैंने डालने की इस पर कोशिश की है। क्लियर है जी? हां जी। तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो देखिएगा बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। अगर मैं देखूं तो मैं एकदम से आपको यहां पर लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। देखिए ये सब चीजें आप कैसे करेंगे, और भी चीजें हैं, और भी चीजें करेंगे आप, कि एकदम से मैं आपको इन क्वेश्चंस पर मैं लेकर के सीधा आपको आऊं, उससे पहले, इन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स समझना होगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। और बेसिक आप कहां से समझेंगे, बेसिक आप जो है इस चीज को आप बेसिक समझ पाएंगे। देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिक की। तो आइए पहले हम मैट्रिक्स को कैसे एप्लीकेशन, मतलब कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, आज की क्लास से बस यही बताने वाला हूं। आपको इसी चीज का रिविजन करना है ताकि नेक्स्ट क्लास में आपकी चीजें आपके पकड़ में आ जाए। देखिएगा उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि एडिशन कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, आपका मल्टीप्लाई कब होता है, ये बातें सारी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, एक एक चीज बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लेकर आते हैं, आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहां पर एनुअल प्रोडक्शन रिलेटिंग टू ब्रांचेस एंड थ्री टाइप्स ऑफ आइटम, आइटम आपके पास में टू टाइम्स टाइप्स ऑफ आइटम मे बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग मीन्स। देखिएगा मैं बता रहा हूं किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए जो ब्रांच है ना, इस कोई एक चीज है उसमें, जैसे ये पंच है, क्लियर है, इस पंच के अंदर ही फिंगर आते हैं। तो जो पंच है जो कि एक बड़ी चीज है, इसके अंदर फिंगर आते हैं, तो पंच जिसके अंदर जो बड़ी चीज है उसको आप रो में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर का जो कॉम्पोनेंट है उसको आप कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्पोनेंट को आप कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझे? फॉर एग्जाम्पल एक हर एक ब्रांच में तीन आइटम बन रहे हैं, हर एक ब्रांच में, तो ब्रांच के अंदर तीन आइटम बन रहे हैं एक ब्रांच के अंदर, तो ये ब्रांच बन रहा है, तो ब्रांच किस में आ जाएगा, ब्रांच आपका रो वाइज आएगा फर्स्ट रो, और आइटम आपका ये एक दो तीन आइटम, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रांच टू के लिए भी आप ऐसा लिखेंगे, ब्रांच टू आपका है उसका भी ए आइटम कितना प्रोड्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, बी आइटम कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एंड सी आइटम कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप इसको इस तरीके से आप लिखेंगे। मेरी बात समझे? क्लियर है? इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि आप एक बार समझ लें कि जब ब्रांच और आइटम की बात हो, विटामिन्स की बात हो, तुम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लेकर के आएंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ में ये लगा दिए हैं। हाँ जी चलिए, अब जैसे ये है आपके पास में है, मान लीजिए क्या है, विटामिन कंटेंट टू टाइप्स ऑफ फूड। अब देखिएगा टू टाइप्स ऑफ फूड, एक फूड के अंदर विटामिन होते हैं ना, कि विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो आप देखिएगा मैंने जो बात पहले कही थी मैं उसी बात पर हूं, जो फूड है उसी के ये रो में लिखा, और इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है फूड के अंदर इसको हम कॉलम वाइज लिखते हैं। अब क्लियर? एंड सेकंड टाइप्स ऑफ फूड इज दिस, एंड आपका जो विटामिन्स मैंने यहां पर ये लिख दिया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो बताइए जरा, पहले आपको दो दो एग्जांपल लिए, दोनों में एक बात समझ में आई, कुछ समझ में आया आपको? क्लियर है? तो आप जो है कंपोनेंट्स को आप कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करें। क्लियर है? थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन भी आप आ जाएगा आपके पास पे कॉलम वाइज। अब यहां पर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल एनुअल सेल ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स इन टू मार्केट्स मे बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। क्लियर है ना?
तो क्या एनुअल सेल ऑफ थ्री प्रोडक्ट, अब तीन प्रोडक्ट है आप, खैर ये कई बार इन बातों पर भी डिपेंड करेगा कि मुझे मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा जो है फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो सेम हो, उसी के हिसाब से भी हम चीजें कई बार डिसाइड करते हैं। अब इसका कोई बात नहीं, अगर आप इसका चाहो तो ट्रांसपोज भी कर सकते हो, मेरी बात समझे नहीं समझे, आप इसका ट्रांसपोज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी वो मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अभी आप सुनते जाइएगा। इसको हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने मार्केट एक लिया और इसमें क्या है प्रोडक्ट हमारे पास है, प्रोडक्ट आपके पास में एक दो तीन, ये तीनों प्रोडक्ट को मैंने क्या करा डिफरेंट प्रोडक्ट है तीनों, एक दो और तीन, एक मार्केट के अंदर तीन डिफरेंट प्रोडक्ट है और यहां पर भी मार्केट टू के अंदर भी तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो मैंने इसको प्रोडक्ट यहां पर ही पसंद करा एंड मार्केट दिस वन। क्लियर है जी, बात समझे या नहीं समझे। नंबर ऑफ स्टाफ इन द ऑफिस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नंबर ऑफ स्टाफ एक ऑफिस के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, हमेशा कॉलम वाइज ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है कि प्योन कितने हैं, कलर कितने हैं, टाइपिस्ट कितने हैं, हेड क्लर्क कितने हैं और आपके जो है ऑफिसर्स कितने हैं, तो इसको आप कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करेंगे। फटाफट आपको एक रिविजन करते चलेंगे। ठीक है जी, अब आइए यहां पर क्या है आपके पास में, आपके पास में है प्रोसेसिंग टाइम ऑफ थ्री प्रोडक्ट्स इन टू डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमेशा प्रोडक्ट पीछे भी आपने एक चीज कॉमन देखा, क्या देखा, क्या कि जो प्रोडक्ट्स है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोडक्ट्स को मैं हमेशा जो है रो वाइज लिख रहा हूं। क्लियर है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो थ्री टाइप्स ऑफ क्या प्रोडक्ट है इन डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्ट को मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोडक्ट को मैं रो वाइज लिखता हूं, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो डिपार्टमेंट हो, उसको हम कॉलम में ले आएंगे। हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा आपका रो वाइज लिखेंगे। क्लियर है, लेकिन मैं फिर से बात रिपीट करता हूं कि इन चीजों पर भी डिपेंड करता है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो सेम है या नहीं है, उसको देखते भी करते हैं। जब मैं क्वेश्चन को खुद करूंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी, फिलहाल कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जाए तो वो बेहतर है। ठीक है, अब यहां पर वही बात आ गई, द यूनिट कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन आइटम फ्रॉम द ईच ऑफ द थ्री फैक्ट्रीज टू ईच ऑफ द फोर वेयर हाउसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स एज फॉलो। क्लियर है, फैक्ट्री है और यहां पर मेरे पास में चार वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग क्या होता है, वेयर हाउसिंग वो जगह एक तरीके से गोडाउन, हाँ गोडाउन को आप क्या बोलेंगे, आप गोडाउन को वेयर हाउसिंग बोल सकते हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपके पास में, आपके पास में यहां पर जो तीन डिफरेंट फैक्ट्रीज है, तीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये आप यहां लिखेंगे और इसके जो है प्रोडक्ट फैक्ट्री ए के जो गोडाउन है, वेयर हाउसिंग है 1, 2 and 3 and 4, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है जी, फैक्ट्रीज हो, प्रोडक्ट हो, फूड हो, क्लियर है, उनको आप इस तरीके से लिखेंगे रो में। अब एन ऑटोमोबाइल डीलर सेल्स टू कार्स मॉडल स्टैंडर्ड एंड डीलक्स। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप, ईच इज अवेलेबल इन ऑफ द टू कलर्स व्हाइट एंड रेड, हिज सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी आर गिवन बाय द मैट्रिक्स। आप इसको किसी बॉटम लिख सकते हैं क्योंकि आपका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। क्लियर है, तो यहां पर आप देखेंगे क्या है, मैं यहां पर आपको एडिशन सिखा रहा हूं मैट्रिक्स के अंदर, लिखना तो आपको मैट्रिक्स आ ही गया है, मैं मैट्रिक्स के अंदर अभी आपको एडिशन सिखा रहा हूं। अभी हम क्वेश्चन को करेंगे, फिलहाल अभी आप कुछ चीजें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख लीजिए, कुछ बेसिक सी बातें पहले आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, हम पूरा सॉल्यूशन उसका लेकर के आएंगे, वो चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। तो फिलहाल क्या कह रहा है उस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा कि एन ऑटोमोबाइल डीलर सेल्स टू कार्स मॉडल स्टैंडर्ड एंड डीलक्स, जैसा आप देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड डीलक्स, ईच इज अवेलेबल इन वन ऑफ द टू कलर्स व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड हिज सेल्स फॉर द मंथ एंड जो है ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी आर गिवन बाय द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में दिया हुआ है कि भैया कि जनवरी के अंदर स्टैंडर्ड एंड डीलक्स व्हाइट एंड रेड का सेल क्या है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपसे सवाल पूछूं, चलिए बताइए, ये आपका जैन है, ठीक है, ये आपका फैब है, मेरी बात समझे या नहीं समझे। क्लियर है, अब बताया जरा यहां पर आप जैन और फैब के अंदर मुझे एक बार बताइए जरा, जनवरी में बताइए जरा रेड कार कितनी सेल हुई है जैन में, तो जैन में रेड कार कितनी सेल हुई है, मेरा सवाल ये है, तो जैन में रेड कार 3 और 4 7 सेल हुई है। मैं अगर पूछता कि जैन में आप बताओ स्टैंडर्ड रेड कार कितनी सेल हुई है,
तो अब स्टैंडर्ड रेड कार कितने सेल हुई है? 3 हुई है। मेरी बात समझे, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं फैब में, आप बताएं जरा व्हाइट कार कितने सेल हुई है फैब के अंदर, व्हाइट कार, तो फैब के अंदर व्हाइट कार कितने सेल हुई है? ये आपके पास में 4 हुई है। बट मैं बोलूं फैब में आपका डीलक्स कितना सेल हुआ है व्हाइट में, तो डीलक्स कितना सेल हुआ है? डीलक्स 4 हुआ है सेल, बट व्हाइट कितना सेल हुआ है? व्हाइट 4। तो मैट्रिक्स का ये तो होता है क्या एक बड़े इन्फो, देखिए बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई। मैं बोल सकता हूं कि जनवरी में व्हाइट कार 3, जनवरी में स्टैंडर्ड कार 5, जनवरी में आपको मैं ये भी कह सकता हूं कि व्हाइट एंड स्टैंडर्ड कार, जनवरी में व्हाइट एंड स्टैंडर्ड कार कितनी है? सिर्फ 2 ही है। आपसे पूछता हूं डीलक्स बताओ कि डीलक्स कार जो है वो भी व्हाइट कलर की आपके जो है फरवरी में कितनी है? तो डीलक्स व्हाइट कलर की फरवरी में कितनी है? तो फरवरी में डीलक्स जो है वो व्हाइट कलर की अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 1 है। मेरी बात समझे? तो एक मैट्रिक्स से क्या हेल्प मिलती है आपको, एक मैट्रिक्स से आपको यह हेल्प मिलती है कि आपको वहां पर बहुत एक छोटी सी जगह में ही बहुत तमाम जानकारी आपके पास में अवेलेबल हो जाता है। खैर वो छोड़िए, अब सीधी सी बात है कि मेरे पास में स्टैंडर्ड डीलक्स 2 टाइप्स ऑफ कार है और जो है 2 कलर है। क्लियर है? जनवरी का अलग है कि जनवरी में जो है स्टैंडर्ड डीलक्स क्या है व्हाइट कलर में, और रेड कलर में स्टैंडर्ड डीलक्स क्या है, 2 कलर का, दोनों डिटेल है, फरवरी का भी है। सवाल ये पूछ रहा है आपसे his sales for the month of the January and February are given by the, find the total sale for the each model of car for the both month, दोनों मंथ का, मतलब कि मुझे क्या बताना है, जैन प्लस फेब मंथ का बताना है मुझे कि दोनों मॉडल स्टैंडर्ड भी और डीलक्स भी, और मुझे व्हाइट भी और मुझे रेड भी, ये बताना है मुझे। मेरी बात समझे, क्लियर है कि दोनों कार की टोटल सेल कितनी है दोनों महीने में सभी कलर के कार की। His sales of the month of the January and February are given. Find the total sales for each model and color. हर मॉडल और हर कलर का टोटल सेल बताना है। तो आप क्या करने वाले हो, जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी कर दोगे। क्लियर है जी? तो आप बस मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी कैसे करते हैं? सिखाया था आपको, याद है आपको? तो 2 और 3 5, 1 और 1 2, 3 और 2 5, और 4 और 3 7। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है जी? बात समझे? कोई डाउट किसी बच्चे को डाउट है तो आप जरा यहां पर अपना जो है डाउट आप पूछ सकते हैं। ये समझ में आया क्या है? क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा भैया जनवरी में व्हाइट 2 हुई है, फरवरी में जो है आपका स्टैंडर्ड व्हाइट 3 है, तो जनवरी फरवरी में स्टैंडर्ड व्हाइट कितने हो गए? 2, 3, 5 हो गए। बात समझे कि कब आपको प्लस करना है कब आपको माइनस करना है? ये बात समझ में आपको आया नहीं? तो एडिशन कैसे करते हैं वो बताया मैंने आपको, ठीक है? एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए रूल्स क्या होते हैं आपको मैंने पहले बता दिया कि ऑर्डर क्या होने थे, सेम होने चाहिए। अब जैसे कि आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है, एक स्केलर वाला चलेगा भी, फिलहाल इसको देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, यहां पर जल्दी से करें।
बिल्कुल सही जी। सर इसकी डाउनलोड वीडियो मिल जाएगी? हाँ कंटेंट में वीडियो रहता है, आप कंटेंट में चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ऐप से बाहर नहीं जाएगा। आप जब भी आप वाईफाई के कांटेक्ट में आते हैं तो आप अपने कंटेंट में सेव कर लीजिए, आपके एप्लीकेशन पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं पर भी हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है बट फिर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे रहता है सिस्टम। चलिए करवाऊँ इसको मैं। चलिए देखिए जरा यहाँ पे, हाँ जी आप सामने देखेंगे अनु सर की क्लासेस आपके शायद वो कल या परसों, कल पहुंच जाएंगे, आज रास्ते में वो, फिर वो भी क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा द सेल्स फिगर फॉर टू कार्स डीलर ड्यूरिंग द जनवरी शोड दैट द डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार वाइल डीलर बी सोल्ड 7 डीलक्स एंड 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार। क्लियर है जी? तो टोटल सेल्स ओवर द 2 मंथ पीरियड ऑफ द जनवरी एंड फरवरी रिवील्ड दैट द डीलर ए सोल्ड 8 डीलक्स। अब देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसका, द सेल्स फिगर फ्रॉम द टू कार्स डीलर ड्यूरिंग द जनवरी शोड, जनवरी की मैं बात कर रहा हूं। पहले पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, वहीं पे करते हैं जहां स्पेस बनाया हमने। पहले मैं बात करूंगा जैन की, ठीक है? 2 डीलर है, एक डीलर कौन है ए, एक डीलर कौन है बी, और ये क्या है यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कितने टाइप्स ऑफ कार को जो है सोल्ड कर पा है, ये आपका कर रहा है यहां पर द डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स। एक तो डीलक्स है, मैं लिख नहीं पाऊंगा शॉर्ट में लिख देता हूं, डीलक्स है, एक प्रीमियम है और हमारे स्टैंडर्ड है। ये है, मेरी बात समझे या नहीं समझे? बात जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होगी, अब खैर मैं, अगर आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर हम इसको इस तरीके से कर दें कि हम ए डीलर और बी रख दें और यहां पर आप रख दें हम डीलक्स, यहां पर रख दें हम प्रीमियम और यहां पर हम रख दें स्टैंडर्ड। क्लियर? अगर हम इसको ऐसे कर देते तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको यहां पर सोच कर रखनी है क्योंकि आपको पता है कि एक तो जनवरी का सेल दिया हुआ है, एक 2 महीने का इकट्ठा सेल दिया हुआ है और फरवरी का सेल पूछ रहा है। तो 2 महीने के जैन और फैब के जो 2 महीने का इकट्ठा सेल दिया हुआ है उसमें से जैन का आप माइनस करोगे तो फैब का सेल आ जाएगा, आपको पता है। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन केस लग रहा है, तो सब्ट्रैक्शन केस के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर आपने पहले वाले को इस मैट्रिक्स से बनाया आपने, तो सेकेंड वाले को आप इसी मैट्रिक्स से बनाइए जिससे कि ऑर्डर में चेंज ना आए, तब भी आपका आंसर ठीक रहेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? ऐसा कर दोगे गलत नहीं है, मेरी बात समझे नहीं समझे? लेकिन आपने एक ऐसा बना दिया और एक आपने ऐसा बनाया और एक आपने ऐसा बनाया, तो कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की अप्रोच गलत जा रही है। क्योंकि आपको क्या करना है यहां पर, सब्ट्रैक्शन करना है। और आपने पहले क्या सीखा है, सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यहां तो आपने 2 क्रॉस 3 का बना दिया और यहां पर आपने 3 क्रॉस 2 का बना दिया, क्या ऑर्डर ये सेम है? बिल्कुल भी ऑर्डर सेम नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम, आप कैसे भी कर लीजिए यार, रट्टा माने जोड़ते हैं कि ऐसे और ऐसे, आप कैसे भी कर लीजिए, आपको अपने एम तक कैसे पहुंचोगे वो चीज पता होना चाहिए। तो आपको माइनस करना है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। क्लियर है जी? और अगर आपको गिवन है मैट्रिक्स के अंदर राइट 2 और 3 मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो फिर आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर है। बट अगर नहीं भी गिवन होता तब भी आप कर सकते थे, ठीक है जी? चलिए बट क्वेश्चन में ये बने 2 क्रॉस 3 का आपको बनाना है। चलिए अब सबसे पहले बात कर रहा था मैं किसकी, मैं बात कर रहा हूं जैन की। तो जनवरी शोड दैट द डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स 3 प्रीमियम एंड 4 स्टैंडर्ड कार्स व्हाइल डीलर बी सोल्ड 7 डीलक्स 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार। बात समझे जैन? और एक मैं एक आपका जो दिया हुआ है वो जैन प्लस फैब, दोनों का टोटल सेल दिया हुआ है
और सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे, टू एंड थ्री, टू क्रॉस थ्री, टू क्रॉस थ्री बोलते हैं इसको। तो हमारे पास में ए एंड बी, और हमारे पास में क्या है, डीलक्स, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। क्लियर है जी? क्या कहता है जरा देख लेते हैं। टू मंथ पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी रिवील्ड दैट द डीलर ए सोल्ड 8 डीलक्स, 7 प्रीमियम एंड 6 स्टैंडर्ड कार। इन द सेम टू मंथ पीरियड द डीलर बी सोल्ड द 10 डीलक्स, 5 प्रीमियम एंड 7 स्टैंडर्ड कार। राइट टू इंटू थ्री मैट्रिक्स। अब बस ये कि हमें फैब का बताना है, तो आपको पता है कि दो मंथ के सेल्स में से अगर आप एक मंथ का सेल्स माइनस कर दोगे तो आपको जो है ईच जो है टाइप्स ऑफ कार और ईच डीलर का आपको पता लग जाएगा कि फरवरी में कितना है। कैसे? आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे जो मैट्रिक्स आपके पास में। तो आप माइनस करेंगे क्या, किसमें से? आपका 8, 7, 6, 10, 5, 7 में से आप माइनस क्या करने जा रहे हैं, 5, 3, 4, 7, 2, 3। ये माइनस करना तो आपको सिखाया है ना, बताइए। तो क्या आपका आएगा, 8 में से 5 गया आपका 3, 7 में से 3 गया आपका 4, 6 में से 4 गया आपका 2, 10 में से 7 गया आपका 3, 5 में से 2 गया आपका 3, 7 में से 3 गया आपका 4। तो यहां पर आपके पास में डीलक्स आ गया, ये आपके पास में प्रीमियम आ गया, और ये आपके पास में स्टैंडर्ड आ गया, और ये आपके पास में ए और बी आ गया, और ये आपका जो है फेब मंथ की सेल आ गई। पहले थोड़ी थोड़ी चीजें हैबिट पे आपके आ जाए ना तो चीजें अच्छी हैं, बट इतना डिटेल में जो पढ़ाना पॉसिबल पता है कब नहीं हो पाता है, जब आप पेपर से एक महीने पहले, पेपर से डेढ़ महीने पहले अगर आप पढ़ने बैठते हो। तो आपको बताता हूँ ज्यादा बड़ा सिलेबस बहुत लेंथी है, पर 4 ही यूनिट है अगर आपका, लेकिन हर एक यूनिट आपका 1.25 महीने का है, ध्यान रखिएगा। अभी तो इस चीज पर आप आए हैं, लेकिन आप ये मान के जरूर चलो कि पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ में कि आपका फुल स्कोर बने। ये स्कोरिंग भाई, यहीं से तो परसेंटेज आपका बढ़ाया जाता है, यही सब्जेक्ट होते हैं जहां मार्क्स काटने का कोई चांस मत दो। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्केलर, मैंने आपको एडिशन भी बता दिया, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन भी बता दिया, मैं आपको स्केलर बता रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करें। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब के कोर्स में पूरा क्या, पूरे से भी जो ज़्यादा होता है ना वो कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं 1 साल का कोर्स इसलिए बोल के चलता हूँ, 2-4 महीने में तो फिर वो ये कि काटन पिटी हो जाती है। एक एक चैप्टर में 1.25 महीने में पढ़ाता हूँ, मतलब एक चैप्टर में 200-250 क्वेश्चन, 300 सवाल। तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के बाद से बेफिक्र हो जाइए। नहीं, अभी मैं मैथ्स एंड रीजनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, जीके में साइंस का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साइंस वाला जीके में एक टॉपिक है साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो, वो टॉपिक कवर करेंगे, देन फिर उसके बाद एक एक करके कवर करेंगे। बट फिलहाल आप अभी फोकस करें एक चीज़ के ऊपर, धीरे धीरे अगर आपका फ्लो बनता है देन आप उस चीज़ के अंदर कंटिन्यू कर पाएंगे। हेलो, चलिए क्वेश्चन हुआ आपका।
Done. चलिए वेरी गुड, चलिए मैं करवा रहा हूं, अब इसको सॉल्व जरा देखेंगे। हाँ जी देखिए जरा, आपको पहले ही आपका बेस अच्छे से क्लियर कर दिया गया था। देखिए, इन अ सर्टेन सिटी देर आर 30 कॉलेजेस, ईच कॉलेजेस हैज, हर एक कॉलेज के पास में क्या है, ईच कॉलेजेस हैज 15 पियोन्स, सिक्स क्लर्क। मैंने बताया ना, जब स्टाफ की कैटेगरीज होती है तो उसको आप किस में लगा दोगे, उसको आप जो है रो वाइज लगा दोगे, एक ही सिंगल कॉलम एंड रो वाइज स्टाफ कैटेगरीज। तो क्या क्या है आपके पास में, क्लर्क है, क्लर्क्स है, और क्या है, कैशियर है। ईच, हर एक कॉलेज में सेम सिनेरियो है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं है। कैशियर्स, टाइपिस्ट, सेक्शन ऑफिसर। सर ये सेक्शन ऑफिसर है ना, क्या होता है, सरकारी नौकरी के अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है, 4600 पे ग्रेड होता है, तनख्वाह 80,000 रुपीज इसकी रहती है। सेक्शन ऑफिसर, उस पूरे सेक्शन का अपना एक ऑफिसर रहता है, आपका नेम प्लेट होगा वहां पे लिखा हुआ, नाम रहेगा, सारे आपको सलाम करेंगे जब जाओगे तो काम पर। बहुत अच्छी जॉब होती है ये कहाँ पे निकलता है ये पोस्ट, ये सीजेएल के अंदर निकलती है पोस्ट, ठीक है जी। चलिए, टाइपिस्ट है, और क्या है, सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। एक्सप्रेस आर गिवन इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना, आपको बता रखा है एज अ कॉलम मैट्रिक्स, आप उसको बताइए। यूजिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ द ईच काइंड इन द ऑल द कॉलेजेस। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है मेरे पास में, 30 कॉलेज, ईच कॉलेज हैज 15 प्यून, 15 प्यून भी है। हाँ प्यून्स कितने, 15 प्यून है, 6 क्लर्क है, और 2 कैशियर है, और 1 टाइपिस्ट है, और 1 सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है जी। तो हर कॉलेज का यही सीन है, हर कॉलेज में आपको 15 प्यून मिलेंगे, 6 क्लर्क मिलेंगे, 2 कैशियर मिलेंगे, 1 टाइपिस्ट मिलेगा, और 1 सेक्शन ऑफिसर मिलेगा हर कॉलेज में। 30 कॉलेज में टोटल कितने हो जाएंगे, तो बस 30 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो 15 तिया 45, 450, आपके 6 तिया 18, 180, और उसके बाद 2 और ये आपके पास में 30, और सॉरी 60, 180, 60, और यहां देखेंगे 30 और 30, तो 30 और 30, ये कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछेंगे, समझ गए जी। जी, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम स्केलर था ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। चलिए जरा आप इसको एक बार ट्राई करें, कौन सी बुक ये, अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं तो जो मेरा पीडीएफ है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर उससे बाहर कुछ पेपर में आ गया तो आप फीस क्लेम के लिए, आप फीस रिटर्न के लिए क्लेम कर सकते हो, रिटर्न का मैं 10 गुना वापस करूंगा आपकी फीस पेड का। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मैं खुद मुखर्जी नगर में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब, और
बड़े बड़े कोचिंग है, कैंपस नाम का भी कोचिंग है, तो उसके अंदर मैं जो है मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा, मुखर्जी नगर में जितने भी आप पढ़े हैं सब टीचर हम सब मिलकर के सब पढ़ा रहे हैं, 10 साल हो गया है मुखर्जी नगर में पढ़ाते पढ़ाते रहते रहते। तो जो जिस क्वेश्चन पे हाथ रख दिया वही क्वेश्चन आपके पेपर में करियर बना जाओगे आप अगर। हाँ, लेकिन अभी आप लोग बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि बच्चा वहाँ पर देखा है मैंने 10वीं के बाद ही, इवन 12वीं के बाद तो डेफिनेटली प्रिपरेशन में आ जाता है। और जो कैट पे जो सिलेक्शन होता है ना IIM में, ये आपका जो है 12th से ही कोचिंग लेते हैं, 3-4 साल इस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, ये टाइम से अवेयरनेस इसमें रहती है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इनकी। नहीं, सिविल सर्विसेज की नहीं, CGL हो गया आपका, बैंक हो गया आपका, आपका रेलवे हो गया, आपके जो है दिल्ली पुलिस हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, प्लस कैट वगैरह। चलिए करिए जरा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर संदीप का आंसर करेक्ट है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, देखिए सोच कैसे डेवलप करेंगे, इसलिए तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पे नहीं उतारा है, पहले मैंने सिर्फ सोच डेवलप करने के ऊपर मैं आपको, आज की क्लासेस सिर्फ मेरी इसी पर ही समर्पित है कि सोच में परिवर्तन कैसे करेंगे मेरे लाल। अब बच्चे मैं यहां पर एक चीज देख रहा हूं, पहले मैट्रिक्स जैसा दिमाग में आ रहा वैसा बना लो यार, हटाओ। देखो क्या है, 3 फर्म्स ABC सप्लाइड 35 and 25 ट्रक लोड्स ऑफ स्टोन, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में चीजें आ रही हैं तो मेरे पास में तीन जो है क्या दिख रहा है, 3 फर्म्स ABC, तो मुझे तीन दिखा, ठीक है। तो एक तो तीन जगह तो लेगा, चाहे रो में ले कॉलम में ले, और दूसरा मुझे क्या दिखा यहां पर, 40 35 20 ट्रक्स ऑफ लॉर्ड ऑफ स्टोन, लॉर्ड्स ऑफ स्टोन एंड दिस ट्रक लॉर्ड्स ऑफ द सैंड। तो यहां पर दो कैटेगरी भी दिख रही है मुझे, क्लियर है। किस किस की दो कैटेगरी दिख रही है मुझे, मुझे आपका, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरे पास में अगर एक मैट्रिक्स में बनाऊं, क्योंकि मुझे तीन आइटम है, तीन और दो का चल रहा है, और मेरे पास में आगे क्या दिया हुआ है, कोस्ट दिया हुआ है, स्टोन एंड लैंड का दो का दिया हुआ है बस, ठीक है। तो एक दो का है और एक और कुछ भी नहीं है, तो एक हो गया। तो अगर आप देखो 3/2 और 2/1 का बनाओ तो क्या मल्टीप्लाई करना पॉसिबल हो पाएगा, हाँ, क्योंकि फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड रो आपका इक्वल है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि मेरे पास में एक चीज की तीन कैटेगरी है और एक चीज की दो ही कैटेगरी है, तो तीन दो, तो दो तीन अगर मैं करता, क्लियर है। तो बताओ मैं कैसे बनाता, दो और एक में नहीं बनता। अगर मैं इसको एक और दो में करता तब भी मैं इसको नहीं बना पाता, दो एक में कर देता तब भी मैं इसको नहीं बना पाता। तो एक बात समझिएगा, जो चीज आपको, जो चीज दोनों में कॉमन है, क्लियर है, दोनों में जो चीज कॉमन है उसको आप क्या करें, उसको आप एज अ कॉलम बनाएंगे। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर है। तो दोनों में आपके पास पे क्या चीज कॉमन है, दोनों में आपके पास पे कॉमन है स्टोन एंड सैंड, क्लियर है जी। तो दो जो चीज कॉमन है उसको आप क्या बनाएंगे, उसको आप कॉलम बनाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टोन एंड सैंड, ठीक है जी।
अब आपके पास में क्या है, इसके पास में थ्री फॉर्म्स लाइक ए बी एंड सी। एबीसी सप्लाइड 40, 35 and 25 ट्रक्स लॉट्स ऑफ स्टोन, स्टोन कर रहा है 40, 35 and 25 ट्रक्स ऑफ स्टोन एंड 10, 5, 8 ट्रक्स लॉट्स ऑफ द सैंड। तो सैंड का क्या है यहां पर 10, 5 and 8 ट्रक, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझे, ट्रक सैंड रिस्पेक्टिवली टू ऑफ कॉन्ट्रेक्टर्स इफ द कॉस्ट ऑफ द स्टोन एंड सैंड, आपको पता नहीं क्या बना 3-2 का बना, कॉमन क्या ये दिस वन, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आप यहाँ पर 2 का बनाना पड़ेगा, क्लियर है, तो 2 का मतलब कि 2 रो होने चाहिए, तो 2 रो किस किस चीज के हैं यहाँ पर आपके पास में, स्टोन एंड सैंड है, तो एक स्टोन है और एक सैंड है, इनका कॉस्ट क्या है 2/1 का बन जाएगा, क्या है इसका, इसका यहाँ पर आपके पास में 1200 रुपए 500 रुपए पर ट्रक है, 1200 और 500 रुपए पर ट्रक है, तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि हमारे पास में जो एबीसी थ्री फॉर्म सप्लाइड, एक फॉर्म का जो है मैं पता लगा पाऊंगा कि स्टोन का खर्चा कितना आ रहा है, सैंड का खर्चा कितना आ रहा है, 10 ट्रक है, एक ट्रक 500 का सैंड है, तो टोटल सैंड में कितना खर्चा आया आपका जो है 40 ट्रक है और 1200 रुपए का एक ट्रक है, तो टोटल आपके पास में स्टोन का खर्चा कितना आया, तो कंपनी ए का मैं पता लगा पाऊंगा कि भैया स्टोन का खर्चा कितना आ रहा है और इसका जो है सैंड का खर्चा कितना, तो कंपनी ए का प्लस टोटल खर्चा कितना आया कंपनी बी का, तो मैं मल्टीप्लाई इसको कैसे करूंगा, क्या मल्टीप्लाई आपको सिखाया है बताइए जरा, तो आइए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, साधारण सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, 12 × 48 और 3 0, क्लियर है, 12 × 48 और फिर इसको सेकंड को सेकंड से, मेरी बात समझे, सेकंड एलिमेंट को ये पहला रो चलेगा एंड उसी कॉलम को कंटिन्यू करेंगे, तो कितना आया मेरे पास में, मेरे पास में आया ये 5000 सॉरी प्लस 5000, क्लियर है। अब जब हम नए रो पे आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, तो नए रो पर आ गए तो ये 35 और ये मेरे पास में क्या हो गया 12 हो गया, तो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो 35 और 12 तो 35 × 70 = 7, 35 से कम 35 और 7 42, क्लियर है, और यहां पर मेरे पास में 2 0 एंड प्लस 35 और 5 तो आपके पास में 3 × 15 = 150 × 25 तो 175 तो 175 और 00, ठीक है जी, क्लियर है, बात समझे या नहीं समझे, सॉरी सेकंड में हम 12 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 12 × 5 = 60 = 36 + 6 = 42 42000 रुपए, क्लियर है, अब प्लस 25 2500 होगा, अब उसी तरीके से हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 12 तो 12 × 5 = 60, ठीक है जी, 12 × 5 = 60 6 12 × 24 = 36 और मेरे पास में 2 0 30000, क्लियर है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा 8 × 5 = 40 4000, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट यहां पर आएगा 48 और 5 कितना हुआ 53000, 42 और 2500 तो कितना हुआ 44500 और 30000 और 4000 तो कितना हुआ मेरा 34000 रुपए, ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आया, कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल सही, क्योंकि बनता किस ऑर्डर में है, ये तो आपका सेम होना चाहिए और बनता आपका इस ऑर्डर में, तो पहले आपको पता लगा मुझे ऑर्डर कैसे लेना है मैट्रिक्स का, जो चीज कॉमन होता है उसको क्या बना दो, उसको आप किस में डाल दो, उसमें आप कॉलम में डाल दो, स्टैंड एंड स्टोन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन कॉमन है, क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछें, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको मैट्रिक्स की थोड़ी समझ आई होगी, लेकिन इस समझ को हमें आगे भी कंटिन्यू करने की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे ट्रांसपोर्ट कंपनी यूज द थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रक T1, T2, T3 टू ट्रांसपोर्ट थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल V1, V2 and V3, द कैपेसिटी ऑफ द ईच ट्रक इन द टर्म्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स इज गिवन बिलो, तो कुछ इस तरह के सवाल को हम जो है नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस को हम करें, कुछ पुराने अभी जो है कुछ सवाल ऐसे भी देखेंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम 2011 में आए हुए, साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे हम, क्लियर है ना, 11 के 12 के जो भी मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन को हम अभी करते चले जाएंगे, 1990 के भी सवाल आए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई,
मतलब लेटेस्ट सवाल भी करेंगे, 15-16 पिछले, लेटेस्ट 10 ईयर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत है बहुत है, क्लियर है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, इसको सेव कर रहे हैं ताकि आपको कंटेंट मिल जाए। सर मैट्रिक से भी क्लासेस लगेंगी, 5, 4, 6, 6-7 क्लासेस अभी मैट्रिक्स के अंदर और लगेंगे, लेकिन आपका पूरा मैट्रिक सबसे बड़ा यूनिट है आपके पूरे सिलेबस पे, ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन पक्का आपका पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स को समर्पित होगा आपके पेपर में। लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रही है, चलिए ठीक है, मैं इस चीज को जरा एक बार चेक करवा लेता हूँ कि भैया आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है। साक्षी को भी नहीं मिल पा रही है, श्रुति को भी नहीं आ पा रही नोटिफिकेशन, हाँ पेपर में आपके कैलकुलेटर अलाउ होता है, जो बेसिक कैलकुलेटर होता है वो अलाउ होता है आपके पेपर में, बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है जी। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। असली जो है ना, जो असली चीज की क्वालिटी क्या होती है मैथ्स, और कैसे मैथ्स पढ़ा जाते हैं, अगर ये जानना है ना आपको, तो आप मेरा चाहे यूट्यूब पे भी, शिक्षा धाम गवर्नमेंट जॉब का बैच यूट्यूब पे आप, उसमें भी कोई चैप्टर अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि समझाना किसे कहते हैं और समझ में आना किसे कहते हैं, तब असली मायने में आपको समझ में आएगा। आप ट्रायल के बेसिस पर आप जा, आपके तो खैर मैंने बैच में डाल रखा है एक फोल्डर डैमो के तौर पर, एक चैप्टर आप यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। एक बार आप एक चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, 100% आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस एक चैप्टर कर लो, यूट्यूब से कर लो, यूट्यूब भी छोड़ो यार, यूट्यूब में कहाँ कहाँ ढूंढोगे, आपके एप्लीकेशन पे टाइम डिस्टेंस स्पीड की वीडियो डाली हुई है, बस आप एक चैप्टर कर लो, वो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा ना कि आप तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब को, एक सेक्शन ऑफिसर की जॉब आप डेफिनेटली ले लोगे, 6 से 8 महीने की अच्छी मेहनत कर ली तो। ये कॉन्फिडेंस बस एक चैप्टर करने के बाद ही आपके जिंदगी का जो है ना, आपका पूरा का पूरा रूप और रेखा बदल जाएगा। बस एक चैप्टर कर लेना, फ्री में वो चैप्टर मैंने आपके इस पर डाला हुआ है, आप इसको कर करके एक बार चेक तो कीजिए अपने आप को, अगर आपको बहुत हल्का लगा तो समझ जाइए कि भैया आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।